आरजेडी के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यसभा में भेजे जाने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब यह तय हो जाने के बाद कि आरजेडी ने हिना साहब का नाम तय नहीं किया है तो सिवान में विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार को सिवान में आरजेडी के विरोध में नारा लगने लगा। टिकट नहीं मिलने पर हिना साहब ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं। शुक्रवार को सिवान के होटल में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। इसमें जिले के कोने कोने से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मीटिंग में सब ने हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर नाराजगी दिखाई। आक्रोश इतना था कि आरजेडी को बायकट करने की मांग होने लगी। इसके बाद सभी कार्यकर्ता सिवान शहर के नए किला स्थित हिना साहब के आवास पर पहुंचे। हिना साहब ने कहा कि अभी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं हुआ है। ये लोग कार्यकर्ता नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पूरे बिहार में जहां जहां हमारे परिवार के सदस्य समर्थक हैं, सभी लोगों से राय लूंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बातें होंगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा उसे हम मानेंगे। इधर आरजेडी कार्यकर्ता ने शुक्रवार की शाम लालू यादव और तेजस्वी यादव के पुतले दहन का आह्वान किया। आरजेडी कार्यकर्ता की ओर से बुलाई गई बैठक में सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव और एमएलसी विनोद जायसवाल नगारत दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएनडी।